हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए फोर सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि जो आपके बीए फोर सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग जो ड्रामा आपको पढ़ने हैं, अलग अलग जो प्ले पढ़ने हैं, तो उन पर मैं अलग अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ एमसीक्यू की। यानी कि देखिए, पिंजर जब मैं आपको पढ़ाई थी तो मैंने पिंजर का अपलोड कर दिया था। कन्यादान पढ़ाई हूँ तो कन्यादान ड्रामा पूरा पढ़ा चुकी हूँ, उससे जुड़े शॉर्ट लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुकी हूँ आप पूरा डिटेल में, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप पूरा बता चुकी हूँ, सब कुछ कम्प्लीट करवा दिया है। बस कन्यादान का एमसीक्यू बचा था, तो वो मैं आज की वीडियो में आपको लेकर आई हूँ। और आज के वीडियो में कन्यादान ड्रामा से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आज पूरा बताने वाली हूँ। और अगली वीडियो में मैं आपका जो आधे अधूरे आपको पढ़ना है मोहन राकेश का प्ले, उसका एमसीक्यू बताने वाली हूँ। यानी अलग अलग प्ले का अलग अलग एमसीक्यू वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, अलग अलग शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सब कुछ बीए फोर सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देती हूँ, जिसमें आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कन्यादान वाज रिटन बाय, कन्यादान को किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, जब हम तो जानते हैं कि विजय तेंदुलकर ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कन्यादान वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। देखिए, कन्यादान को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि कन्यादान तो इंग्लिश में लिखा नहीं गया था, इसकी जो मूल भाषा है वो मराठी है, ये मराठी में लिखा गया था, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, देखिए, गौरी राम नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, सब उसमें मैंने बता दिया है। आप अगर पूरा पूरा वीडियो देखो तो आपका एमसीक्यू से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम, हमारा एमसीक्यू पेपर होता है, हम कैसे तैयारी करें। तैयारी करने का मतलब ये है कि जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ, पूरी फुल डिटेल वीडियो जितनी भी आती हैं एक एक टॉपिक से लेकर, पूरी देखा कीजिए हर सब्जेक्ट की, क्योंकि उसको देखने से फिर क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पूरी गारंटी है। अगला देखिए, कन्यादान वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इन कन्यादान किस वर्ष इंग्लिश में अनुवादित किया गया, किस वर्ष किया गया, तो 1996 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, विजय तेंदुलकर इज ए प्ले राइट, तो विजय तेंदुलकर एक प्ले राइट हैं, तो किस भाषा के हैं, मराठी के हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मराठी में लिखा करते थे, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मराठी याद रखिएगा, ये प्रश्न ज़रूर आएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड पद्म भूषण, किस वर्ष में विजय तेंदुलकर ने पद्म भूषण का अवार्ड मतलब प्राप्त किया, तो किस वर्ष में, 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, व्हेन डिड ही बॉर्न, वो कब पैदा हुए, तो वो पैदा हुए थे 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ही रिसीव्ड सरस्वती सम्मान, किस ईयर उन्हें सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, किनको, विजय तेंदुलकर को सरस्वती सम्मान कब प्राप्त हुआ, कब मिला, तो 1993 में मिला, 1993, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज डॉटर हु वाज ए फेमस एक्ट्रेस, देखिए, विजय तेंदुलकर की बेटी है, वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, तो उनकी बेटी का नाम क्या है, तो उनकी बेटी का नाम है प्रिया तेंदुलकर, जो फेमस एक्ट्रेस हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अगला देखिए, कन्यादान वाज पब्लिश्ड इन, कन्यादान पब्लिश्ड कब हुई, तो देखिए, मैं आपको बताई थी जब पढ़ा रही थी, तो कन्यादान पब्लिश्ड हुई थी 1983 में लिखी गई, पब्लिश्ड हुई, और ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। फिर बाद में जब गौरी राम नारायण ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1996 में हुआ था कन्यादान प्ले का, और ये लिखी गई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। तो याद रखिएगा, पब्लिश डेट भी याद रखिएगा और ट्रांसलेटेड डेट भी याद रखिएगा, 1996 में ट्रांसलेशन हुआ था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन कन्यादान, यहाँ पे 4 कैरेक्टर आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, अब आप पढ़कर बताइए कि कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कन्यादान ड्रामा में नहीं है। अरुण, अरुण बिल्कुल है, अरुण अथावले, सेवा, सेवा भी है, ज्योति, ज्योति भी है, ज्योति लड़की है हीरोइन, अरुण उसका हस्बैंड है, सेवा ज्योति की माँ है, तो ये सभी हैं
कन्यादान में तो कौन नहीं है, पूरो नहीं है। पूरो कहाँ थी आपको याद होगा, पिंजर में। अमृता प्रीतम का फेमस नॉवल पिंजर में पूरो हीरोइन है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पूरो, ये कन्यादान में नहीं है। अरुण अतावले इज इन कन्यादान, देखिए यहाँ पर कन्यादान है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग लिखिएगा। तो अरुण अथावले क्या है कन्यादान प्ले में, तो एक पोएट है, एक कवि है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ही डिड नॉट राइट द स्क्रीन ऑफ प्ले ऑफ, ही डिड नॉट राइट द स्क्रीन प्ले ऑफ, यहाँ पे 4 मूवी का नाम दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि विजय तेंदुलकर ने इनमें से किस मूवी का स्क्रीन प्ले नहीं लिखा है, तो युद्ध का नहीं लिखा है, बाकी आक्रोश का, अर्धसत्य का, मंथान का, इन सभी का लिखा है स्क्रीन प्ले, तो किसका नहीं लिखा है, युद्ध का। याद रखिएगा यहाँ पर विजय तेंदुलकर की बात होगी, क्योंकि हम सिर्फ कन्यादान से जुड़े एमसीक्यू को देख रहे हैं, और पेपर में तो आपका नाम देकर ही पूछेगा कि विजय तेंदुलकर डिड नॉट राइट द स्क्रीन प्ले ऑफ, इस तरह से आपका प्रश्न पूछेगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 युद्ध आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी इन द प्ले कन्यादान, कन्यादान में कौन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, तो कौन लिख रहा था आपको सब कुछ पता है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स जिनका होता है ना, वो पूरी वीडियो बस देखकर चले जाएं एग्ज़ाम में, जितने भी पढ़ाती हूँ वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियो नहीं होती है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होती है, शॉर्ट होती है, समरी होती है, सब देख लिया कीजिए, सब देख लेंगे तो सारा एमसीक्यू आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए अरुण अथावले जो था वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। व्हाट इज़ सेवा डूइंग, सेवा क्या कर रही है इस प्ले में कन्यादान में, तो सेवा क्या कर रही है, सोशल वर्कर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है व्हाट इज़ द एज ऑफ ज्योति, ज्योति की उम्र कितनी है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको बताई थी 20 साल की है ज्योति, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ये एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की है और सेवा इसकी माँ का नाम है। अगला देखिए व्हाट इज़ द एज ऑफ जयप्रकाश, जयप्रकाश ज्योति का भाई है कन्यादान प्ले के अंदर, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ज्योति का भाई जयप्रकाश है, तो इसकी एज कितनी थी, तो कितनी थी 23 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। वर्ष सभी का याद रखिएगा कितनी एज है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिए हु इज़ वमन सेठ नेवगा ओनकार, ये कौन था, देखिए कन्यादान प्ले में ये कैरेक्टर था। देखो जब अरुण अथावले आता है ज्योति के पिता को इनवाइट करने, जब उसकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश जो होने वाली थी, तो पब्लिशर था ये वमन सेठ जो था, तो वही आया था अरुण के साथ एमएलए को, यानी कि नाथ दीवाल आलीकर को इनवाइट करने, तो जब जाने से इनकार करते हैं तो यही कहता है वमन सेठ, कहता है कि नहीं आप आ जाइएगा वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा कार्ड छप चुका है, ये सब कुछ। तो ये कौन था, कौन है, तो ये क्रिटिक भी था, पब्लिशर भी था, ओनर ऑफ ए होटल भी था, इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखिए व्हाट आर द थीम्स ऑफ द प्ले कन्यादान, कन्यादान प्ले की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, ये तो एकदम ज़रूर पूछेगा। और देखिए इस पर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। देखिए कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जाति संघर्ष भी इसकी थीम है, क्योंकि ब्राह्मण लड़की की शादी एक दलित लड़के से हो जाती है, तो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट की, उसमें चेक करके आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है स्यूडो आइडियलिस्ट, यानी कि झूठी आदर्शवाद इसमें दिखाया गया है, झूठा आदर्शवाद। तीसरा है सेक्योर्ड बॉन्ड ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का सच्चा बंधन, पवित्र बंधन, शादी का पवित्र बंधन। तो ये सभी थीम दिखाई गई है, क्योंकि ज्योति की शादी भी होती है, वो अपनी शादी को निभाती है, भले ही को खुश नहीं होती है, अपने माता पिता के घर नहीं आती है, इनकार कर देती है, और झूठा आदर्शवाद दिखाया गया है, और जाति संघर्ष भी यानी कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाया गया है। तो ये सभी कन्यादान की थीम है, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए अरुण इज ए स्टूडेंट ऑफ, अरुण जो था कन्यादान प्ले के अंदर वो किस क्लास का स्टूडेंट था, तो वो बीए कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बीए।
टू विच कास्ट डज अरुण बिलोंग, अरुण किस जाति से ताल्लुक रखता था, ये किस जाति का लड़का था, तो ये दलित जाति का था, ऑप्शन नंबर टू राइट है। सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक एक चीज़ बता चुकी हूँ। टू विच कास्ट डज नाथ बिलोंग, जो नाथ थे ज्योति के पिता, वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो जैसा कि ज्योति ब्राह्मण थी तो उसके पिता भी तो ब्राह्मण होंगे, तो ये ब्राह्मण थे और अरुण दलित था, तो नाथ ब्राह्मण थे, तो ऑप्शन नंबर वन राइट है। अब देखिए अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नाथ देवालालिकर्स वाइफ, नाथ देवालालिकर की बीवी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सेवा था। ज्योति के पिता है नाथ देवालालिकर और ज्योति की माँ है सेवा। देवालालिकर जो थे वो MLA थे, सेवा सोशल वर्कर थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवालालिकर, इनका प्रोफेशन क्या है, तो ये MLA हैं, ऑप्शन नंबर टू राइट है। अगला है, हु इज़ हस्बैंड ऑफ ज्योति, ज्योति का हस्बैंड कौन है कन्यादान प्ले में, तो अरुण है, जो दलित लड़का है जो शादी के बाद बदला लेने की भावना से ज्योति को मारता पीटता है, गाली गलूज देता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री राइट है, यही ज्योति का हस्बैंड है। तो आज के जो वीडियो में जितने भी मैंने MCQ बताए हैं बहुत ही सीधे हैं, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है, एक बार देखकर समझ में आ जाता है और एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। उसके अलावा पिंजर का करा दिया है, आधे अधूरे भी पढ़ा चुकी हूँ और आधे अधूरे पर वीडियो भी अपलोड कर दी है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल की, और बस MCQ बचा है उससे करा दूंगी। और आधे अधूरे में जो कैरेक्टर है सावित्री, उसका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ आपका कंप्लीट हो रहा है, अदर भी सभी सब्जेक्ट की वीडियोस लगातार चैनल पे आ रही हैं, तो जल्दी से देखिए और पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।